स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ, योर थर्ड चैप्टर इज इंटरनल ऑर्गेन्स एंड देयर फंक्शन सब्जेक्टिवियस। लास्ट पैसेज इन योर चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प टू थ्रो आउट द बॉडी वेस्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ये हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको आउट करने में, बाहर करने में हमारी हेल्प करता है। लंग्स, स्किन एंड किडनीज आर द थ्री एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में थ्री ही एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स हैं, जो मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स मीन जो हमारे वेस्ट चीज़ों को बाहर करें, ये तीन ही हैं। तो फर्स्ट इसमें से है लंग्स, स्किन एंड किडनी, ये तीन ही हैं जो वेस्ट मटेरियल को आउट करते हैं। आउट ऑफ दीज द किडनी आर द मेन वंस, और इन तीनों में से किडनी जो है वो मेन है। दे फिल्टर आवर ब्लड, ये हमारे ब्लड को भी फिल्टर करते हैं। दे हेल्प टू गेट रिड ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइन, ये वाइन से वेस्ट चीज़ों को हमसे छुटकारा दिलाते हैं। वाइन से हमारे वेस्ट चीज़ों को हमसे छुटकारा दिलाते हैं। दे आल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, ये अमाउंट वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करते रहते हैं, न कम न ज़्यादा। एंड द डेलिकेट बैलेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं इनको भी डेलिकेट करते रहते हैं, मतलब बनाए रखते हैं। द फंक्शन आर इसेंटियल टू ह्यूमन लाइफ, द फंक्शन आर इसेंटियल टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के लिए ये फंक्शन ज़रूरी हैं, इसेंटियल हैं। द लाइफ ऑफ All human beings depends as such as much on their kidneys as on their lungs or hearts. ये जो human की life है ये depends है पूरी तरह से kidney पर, ये lungs पर या heart या lungs या पूरी तरह से kidney पर। The lungs help to exert waste products लाइक कार्बन डाई, लंग्स का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों को वेस्ट को निकालना। वाइल द स्किन का काम होता है डिस्पोज ऑफ वेस्ट सच एज स्वीट, जैसे पसीनों को स्किन के माध्यम से बाहर करना। नाउ योर नेक्स्ट हेडिंग इज नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम, वी विल रीड अबाउट नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, द नर्व्स एंड द स्पिनल कॉर्ड टुगेदर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, पहला है ब्रेन, नर्व्स एंड स्पिनल मेरुदंड। द ब्रेन लाइज इनसाइड द हेड इन अ वेल प्रोटेक्ट, ब्रेन जो होता है, ब्रेन इनसाइड द हेड, हेड के अंदर अच्छी तरह सुरक्षित रूप से ढका होता, अच्छी जगह, वेल प्रोटेक्ट मतलब अच्छी तरह सुरक्षित होता है ब्रेन हेड में। हार्ड बॉनी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, और हार्ड होता है और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्कूल कहते हैं, जिसको खोपड़ी कहते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को इसको क्या कहा जाता है, खोपड़ी कहा जाता है। द ब्रेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, इनमें से ब्रेन जो है पूरे बॉडी का, ब्रेन ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट ब्रेन वी कैन नॉट थिंक। इट कंट्रोल्स, यही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित करता है, ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द, जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, सबको समन्वय के बीच में समन्वय। अब हैंड को अगर अप करना है तो ब्रेन ही कहेगा तो अप होगा, डाउन होगा, तो पूरे बैलेंस और कोऑर्डिनेट जो होते हैं बॉडी के वो ब्रेन से ही चलते हैं, ऐसा ब्रेन ही मालिक होता है हर एक ऑर्गन का। द ब्रेन हैज़ थ्री पार्ट्स, ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम एंड मेडुला ओबांगाटा, ये तीन होते हैं, सेरेब्रम एंड मेडुला ओबांगाटा। द सेरेब्रम इनेबल्स टू थिंग्स लर्न एंड रिमेंबर, सेरेब्रम जो होता है ये हमको सोचने, सीखने और याद करने में सक्षम बनाता है, ये हमको इतना
योग्य बनाता है कि हम क्या सोचते हैं। तो ये हमारे अंदर जो उसके तीन पार्ट हैं सेरेब्रम के अंतर्गत ये होता है। द सेरेब्रम इनेबल्स अस टू वॉक रन एंड प्ले। रन वॉक प्ले जैसी चीज़ों को सोचने पर करने पर ये हमारे लिए सेरेब्रम करता है। द मेडुला ओबांगाटा कंट्रोल्स। मेडुला ओबांगाटा कंट्रोल हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, जैसे लाइक फियर हैप्पीनेस सारो गुस्सा खुशी दुख सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। थैंक यू। ओके योर वर्क इज़ कंप्लीट।